आकाश बोल, एक चैलेंज कर रहा हूँ तेरे को। क्या चैलेंज? वो जो दिख रहा पीछे दीवार, हाँ उसमें चढ़ पाएगा तू? दीवार में चढ़ना है? हाँ 2 मिनट का काम है। चल चैलेंज है मेरे तरफ। चैलेंज? हाँ। बिरयानी बिरयानी चल चल ठीक है हो जाएगा। Alright, so hey guys, what's up everybody? First of all, coming my YouTube channel. It's a boy here. Let's begin with a brand new video. So guys, आज वीडियो किस टॉपिक पे है तुम लोग सामने देख के समझ ही गए होगे। और हाँ, मुझे आज इतना अपने आप पे भरोसा है कि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा बम होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है आज का हमारा कंटेंट बहुत ही बढ़िया है। वो जो पहाड़ दिख रहा है आपको, दिख रहा आपको पहाड़ी हमको जाना है। और कैसे जाए सोच रहा है यहाँ से जाए, ना मजा नहीं आएगा। तो चलते हैं वहां से घूर के, एक डैम भी पड़ेगा रास्ते में, तो वीडियो बनाते हैं उसका। चल चलते और देखते हैं। का भी लगभग हम लोग हल्का सा मतलब रास्ता पार करके यहाँ पहुंचे। ये माजीडी है लगभग इस जगह का नाम। तो अभी मतलब वो रास्ता वहाँ लॉक कर दिया है, तो वहाँ से शॉर्टकट होता था तो वो तो बंद है, तो अब घूम के हम लोग को जाना पड़ेगा यहाँ से। तो अभी हम लोग मतलब वहाँ रास्ता टर्न करके इधर आए, अब जाएंगे सीधा। वहाँ एक पुल है अच्छा खासा, बहुत भयानक पुल है, तो वो दिखाता है अभी। तो वहाँ जाना है, उसका कुछ क्लिक करके उसके बाद है पहाड़। तो चलते हैं और देखते जगह। ओके, तो पुल के सामने लगभग पहुँच चुके हम लोग, तो चलते और पुल को देखते हैं। तो पुल लगभग ठीक है, मतलब अभी बरसात मतलब गर्मी है ना, तो पानी शायद नहीं है, मेरे को पता नहीं। पहले जब आता था वीडियोस बनाने तब था अच्छा खासा रहता था। तो आगे बढ़ते और देखते हैं ये कैसा जगह है। अब वो पहाड़ भी जाना है हम लोग को। कहाँ ये पहाड़ पे? अरे कहाँ ये? अबे अच्छा अब नहीं दिखा, चल कोई बात नहीं। गाइस, तो अभी पुल पहुंच चुका है, सो पुल का भी देखना है। एक्चुअली ये पुल थोड़ा मतलब पहले से डाउन में को क्या पता क्यों लग रहा है, लेकिन ठीक है पानी थोड़ा गर्मी के कारण शॉर्टेज होता है कभी कदार। तो पुल को दिखाना है, अभी दिखाएंगे कैसे है ना, मेरे बोलने पे मजा नहीं आएगा, सिनेमैटिक करना पड़ेगा भाई। तो करा जाए बोल, एक चैलेंज कर रहा हूँ तेरे को। क्या चैलेंज? वो जो दिख रहा पीछे दीवार, हाँ उसमें चढ़ पाएगा तू? दीवार में चढ़ना है? हाँ 2 मिनट का काम है। चल चैलेंज है मेरे तरफ। चैलेंज? हाँ बिरयानी चल चल ठीक है हो जाएगा। Yeah. Okay guys, तो ये रहा वो मतलब वो घोसला डैम है ना। सो वो नदी मतलब डैम आते आते ये जगह मिलता है। सो ये जगह वो जगह से थोड़ा अच्छा है, बेटर है। तो रास्ते में देखो वो जो पहाड़ दिख रहा है, हाँ सो मतलब पहाड़ नहीं है, थोड़ा ढीप है बड़ा सा। सो उधर ही का सीना भी लेना मेरे को, उसका टॉप पे चढ़ के वहाँ का सीन दिखाना आप लोग को। तो यहाँ अच्छा थोड़ा व्यू मिला, तो सोचा कि क्यों ना इसको भी दिखाया जाए। अब आगरा में ये सब जगह थोड़ा है हिडन है, मतलब किसको ज़्यादा पता नहीं है। सो मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से बस उस तरफ ही कहीं है। तो जगह अच्छा है, तो क्यों ना सोचा दिखा दिया जाए। आगरा के व्यूअर्स को भी थोड़ा कम पता है और बाहर वाले को तो पता ही नहीं है। सो दिखा देते हैं इसको भी। और हाँ, वो खेत का भी कुछ सीन देखना चाहोगे? दिखा दे, क्या दिखा दो? दिखा देते हैं, चलिए। ओके गाइस, तो ये जगह का बारे शायद मतलब रियलिटीज का जो बनने का रीज़न था वो शायद कोई कोई को पता होगा, कोई कोई ज़्यादातर को पता नहीं होगा। सो इसका मेन रीज़न ये था ना, जब अंग्रेज रहते थे मतलब राज करते थे इंडिया पे, सो ये जगह में वो लोग जो आगे डैम है वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो स्टीम इंजन होता है पुराना ट्रेन वो तो कोयला से चलता था। सो उसका लिए वो लोग को पानी बहुत जरूरत था। अब तो एक ही इधर रिवर है जिसका मैंने एक ब्लॉग बनाया था, साहिब बांध। सो वहाँ का अगर मतलब रिवर नेपाल तो वहाँ का अगर पानी यूज किया जाए तो आदमी पियेंगे क्या? सो उसका लिए ये डैम बनाया गया था। सो वो डैम का अभी वहाँ पे तो वहाँ तो जा नहीं सकते, लेकिन यही डैम जो आपको दिखाया पानी वो डैम घूम के यहीं आता है। सो वो शायद मेरे को लगता है वो जो टॉप मतलब ढीप है उधर वाला, सो वो शायद इसीलिए बनाया गया कि वो कोड़ते 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 जो ढीप बना वो है, मेरे को शायद जहाँ तक लगता है, कन्फर्म नहीं पता। सो जगह कूल है, जैसा भी जो भी रीजन है जगह अच्छा है। सो खिलाड़ी भैया का भयानक जगह रे भाई, संभाल के चलना भाई, गिर जाएगा नहीं। सॉरी, कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ता भाई। In the top as I want. Okay, तो अभी टॉप में है हम लोग। अभी हम लोग कहाँ पे थे देखो बता रहे, जब पहला एकदम तुम लोग सीन दिखा था एकदम वहाँ पे एकदम पॉइंट किया वहाँ से ऐसी घूर के आ गया इधर, नहीं इधर नहीं रुको इधर। सो वहाँ से अभी फिर रिटर्न आया, वो पुल दिख रहा होगा तो पुल से अभी यहाँ घूम के वो रास्ता पकड़ के यहाँ पे। सो यहाँ का लोकेशन तुम लोग देख ही सकते हो डूड कि वहाँ का यहाँ का हाई ठीक है और व्यू भी अच्छा है। सो अब इतना फ्लिप का प्रैक्टिस करते हुए भी यहाँ पे आके एक दो चार फ्लिप ना मारे तो लालच यार मेरे फ्लिप सीखने पे। सो चलते हैं और फ्लिप मारते हैं, जगह को भी दिखाते हैं। रेडी रहेगा वो ढीप, मतलब ढीप ही सही है बोलना, तो वो ढीप है। वहाँ पे एक खासियत इधर का ये भी है कि यहाँ जो मिलिट्री कैंप यहाँ का आदरा का, यहीं पे फायरिंग का प्रैक्टिस करता है ढाई ढाई। सो वहाँ पे कभी कभी गोली चुन के मिलता। हम जब छोटे थे कम से कम 10 या 12 साल के, तो मैं डेली आता था यहाँ पे वो गोली चुनने, उसको लेता था, इसको लिए 10 रुपये में बेचता था, बहुत कम है। दिस इज़ बिजनेस दादी। हाँ, तो वो करने के लिए मैं इधर आया आपको दिखाने वीडियो, सोचा कि क्यों ना दिखा दे जाए। तो ये नॉर्मली पार हो गया वक्त, मतलब ये डीप को दिखाना, तो क्यों ना थोड़ा मस्ती के लिए क्लिप मार लिया जाए, मार लेते हैं। तो देखो वो डीप दिखाने के बाद, थोड़ा सा फ्लिप्स करने के बाद, अब अंदर एकदम हिम्मत नहीं बचा कि और भी कुछ करे, ताकि समझ रहे हो, इसलिए तो इतना करने के जितना हो सके मैंने इसको ट्राई किया कि अच्छे से अच्छा तरीका को दिखाए। सो अब चलते हैं घर, नहा धो के शाम में देखा जाएगा क्या करना है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मतलब जल्दी आ ही जाएगा, टेंशन नहीं है। ओके गाइस, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वो यहाँ से जहाँ से तुम लोग को फर्स्ट वीडियो दिखाया था वो वहाँ का था, तो उसको पार करके अभी जस्ट वो डैम को क्रॉस किया, एंड क्रॉस करने के बाद वो डीप एंड 2-4 तो फ्लिप करने के बाद अभी यहाँ पहुँचे, तो और कोई दिखाने का जगह नहीं है। तो जहाँ तक मैं सका अच्छे से अच्छा तरीका से ज़्यादातर घुस घास के वीडियो बनाया सिर्फ आपके लिए। सो एंड एक्टिव, हाँ ये बात है कि मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ ज़्यादा, तो मैं इसको कंटिन्यू मतलब ठान ही लिया कि अब मैं यूट्यूब पे एक्टिव रहूँ। ओके, तो जहाँ तक हो सका मैंने इसको अच्छे से अच्छे तरीके से ट्राई किया। सो वहाँ से ढुक के अभी हम लोग निकले फैक्टर पट्टी का रोड से, वहाँ से यहाँ। सो अब क्या करना है, घर जाना है, घर से जाते के खा पी के हमारे फ्रेश हो जाना है, क्योंकि यहाँ घूम घाम के शरीर एकदम मुँह काला करा लिया मैंने। तो इतना मतलब मेहनत देखने के बाद अगर तुम लोग को दया माया आया हो तो यार प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को फैला देना अपने दोस्त, फ्रेंड्स, बोधी, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक्स, जिसको हो सके इसको फैला देना, वीडियो को 1K पहुंचा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। कदे मैनू फिल्मा दिखा दिया कर, कदे कदे मैनू भी कमा लिया कर, सारे साल विचों जे मैं रुसा एक बार, इना किता बनदा मना लिया कर। एक पासे तू बब्बू, एक पासे है जग सारा।